अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एथनेशन फॉर जॉन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको रेसिपी दिखाने जा रही हूं जी, मसाला डोसा की। थोड़ी सी लेंथी बट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, जिसके लिए हम लोगों ने लिया है जी राइस। हम लोगों ने लिए हैं 1 कप दाल माश, 1/4 कप, 2 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें लिए हैं जी चने की दाल, और 1 टीस्पून इसमें लिया था हमने जी राई दाना। और इन सब दाल को हम लोग अच्छे से साफ करके इसको ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। आपने अगर जब भी मसाला डोसा बनाना है व्यूवर्स, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने चीज़ों की जो क्वांटिटी है उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और हर स्टेप को बहुत अच्छे से फॉलो करना है जी। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने इसे ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड, और बहुत अच्छे से इसे ग्राइंड करना है ताकि ये बहुत ही स्मूथ हो जाए जी। ये देख सकते हैं आप लोगों की हमने इसका लीक्वर्ड कितना थिक रखा है, आप देख लीजिए इसे। ना तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज्यादा पतला हो। आपने जिस पानी में इसे भिगोया था उसी पानी में आपने इसे ग्राइंड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। आपने इसका लीक्वर्ड जो है वो ज्यादा थिक नहीं रखना है व्यूवर्स, ना ही ज्यादा थिन रखना है। उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से हैंड बीटर से या हैंड की से आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। और फिर आपने इसको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए आपने इसे रूम टेम्परेचर पे रख देना है। 8 से 10 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एयरी हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त तीखे टेक्सचर बन गया है इसका। ये मसाला डोसा बनाने के लिए डोसा जो है वो तैयार हो चुका है, डोसे का मिक्सचर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। आपने इसे फिर दोबारा से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो इसमें एयर आई है वो अच्छे से निकल जाए और ये दोबारा से स्मूथ हो जाए। आपको अगर ज्यादा क्रिस्पी डोसा पसंद है तो आप इतनी ही ज्यादा देर इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे व्यूवर्स। हमारा मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि जो है हमारा परफेक्ट डोसा तैयार हो सके, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप सब जानते हैं डोसा जितना क्रिस्पी हो खाने का उतना ही ज्यादा मजा आता है। तो चलिए जी व्यूवर्स, अब हम बनाते हैं मसाला डोसा के लिए मसाला, जिसे हम कहते हैं जी आलू की भाजी। हमने अपने प्यारे से पैन में ले लेना है जी 2 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें हमने डाल देनी है जी कलवंजी, और इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जी जब तक ये डांसिंग पॉइंट पे ना आ जाए, मतलब कि जी अच्छे से पटाखे मारना ना शुरू कर दें। जैसे ही अच्छे से भुन जाए हम इसमें ऐड करेंगे जी करी पत्ता, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर हमारे ऑयल में आ जाए। ये व्यूवर्स इंडिया की बहुत ही स्पेशल डिश है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाई जाती है, और जो कि अब दुबई में, सऊदीया में और अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। बहुत लोग पसंद करते हैं इस रेसिपी को। अच्छे से कड़ी पत्ता भी फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे जी साबुत लाल मिर्च, और फिर हम उसे फ्राई करेंगे। व्यूवर्स आपने हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डालनी है। अगर आप सब कुछ एक साथ ही डाल देंगे तो इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि मसाला डोसा का रियल फ्लेवर होता है। व्यूवर्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी घर में रेडी की है या नहीं। तो व्यूवर्स इसमें हमने अब डाल दिया है जी प्याज, हमने लिया है जी 1 अदद प्याज, जिसे हमने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था, और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है व्यूवर्स ये, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अच्छा जी, हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है जी जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और साथ ही हमने इसमें 2 से 3 अदद चॉप करके ग्रीन चिली ऐड कर दी हैं। इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें जो है वो स्पाइस बहुत कम है, तो जी व्यूवर्स इसमें स्पाइस कम ही होता है। जो इसे खाते हैं, जो ये बनाना जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि इसमें हम लोगों ने स्पाइस कम ही रखना है। तो ये जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसमें मैश किए हुए पोटैटो जो हैं वो ऐड कर देने हैं। अभी हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपने पोटैटो बॉयल करते हुए सॉल्ट ऐड किया है तो आप इसमें सॉल्ट जो है वो 1/2 टीस्पून डालेंगे, अदरवाइज आप इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जी व्यूवर्स।
तो जी अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं जी पोटैटोस, मैश किए हुए हमने पोटैटोस को बॉईल करके मैश कर लिया था, अब हमने इसमें पोटैटोस ऐड कर दिए हैं और इसे हम कर लेंगे जी अच्छे से मिक्स। क्या कमाल की व्यूअर्स, इसकी खुशबू आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, जो हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें अपने पहले मसाला फ्राई किए हैं ऑयल में, और अब पोटैटो के साथ उनकी खुशबू क्या ही कमाल की है व्यूअर्स, आई कांट एक्सप्लेन। तो चलिए जी हो चुकी है ये रेडी, अब हम बनाते हैं जी अपनी इसके साथ रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए जी 2 टेबलस्पून भर भर कर धड़ा मिर्च, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए, आधा प्याज चाहिए, 1 जवा लहसुन का चाहिए और 1 अदद जो है वो हमें बड़ी सी साबुत लाल मिर्च चाहिए। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने थोड़े से पानी में भिगो दिया है 1/2 घंटे के लिए, ताकि ये सब चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करके अपनी मिक्सी में डाल दिया है जी, और इसको अच्छे से घुमा देंगे इससे जी मिक्सी में डाल के ग्राइंड करने के बाद। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉस हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जी हम लोगों ने मसाला डोसा में कम स्पाइस क्यों रखा है। तो चलिए अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट सॉस की तरफ, जो कि माय मोस्ट फेवरेट सॉस है जी कोकोनट सॉस। तो जी अपने प्यारे से ग्राइंडर में हम लोगों ने डाला है जी हाफ कप के करीब कोकोनट, क्रश किया हुआ कोकोनट। उसमें हमने डाली है जी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया, 2 अदद लहसुन के जवे लिए हम लोगों ने, और हम लोगों ने इसमें लिया था जी 1 टेबलस्पून चने की दाल, उसको भी भिगो के हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड की थी जी व्यूअर्स 2 टेबलस्पून योगर्ट एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। देन हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये देख सकते हैं जी हमारी हो गई है कोकोनट चटनी रेडी, जो कि मसाला डोसा के साथ हम सर्व करेंगे। चटनी हो चुकी है तैयार, अब हम इस चटनी पे लगाएंगे जी तड़का। देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें हमने कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च ऐड कर दी है। बहुत जबरदस्त इसका फ्लेवर आता है चटनी में डालकर व्यूअर्स। अभी इसके तड़के की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रेसिपी थोड़ी सी लेंथी है बट इट्स वेरी टेस्टी व्यूअर्स, यू मस्ट ट्राई इट। ये देख सकते हैं हम लोगों ने तड़का लगा दिया है, बहुत 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 यम्मी खुशबू आ रही थी इसकी। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं डोसा की तरफ। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझसे एक स्टेप मिस हो चुका था। मैं आपको बताती चलूं कि आपने जब भी डोसा बनाना है आपने पैन को अच्छे से गर्म करना है। जब पैन गर्म हो जाए आपने इसको फ्लेम से उतार लेना है और उसकी ऊपर की लेयर को थोड़ा ठंडा करना है। वो आपने ऐसे करना है कि थोड़ा सा डालना है पैन में पानी और उस पानी को अच्छे से रुमाल के साथ, साफ सुथरे रुमाल के साथ आपने कर लेना है जी साफ। इससे आपका जो पैन है वो नीचे से रहेगा गर्म और ऊपर की लेयर थोड़ी ठंडी हो जाएगी। जब आप इसमें डोसे का मिक्सचर ऐड करेंगे तो आपका डोसा नीचे से जलेगा नहीं और वो ऊपर तक खुद बहुत पक जाएगा। देन आप इसमें भाजी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, सेपरेट रखना चाहते हैं तो सेपरेट भी रख सकते हैं। ये देखिए जी हमारे मसाला डोसा की थाली हो चुकी है रेडी, कितनी ही कलरफुल और कितनी ही ब्यूटीफुल लग रही है, और टेस्ट तो इसका था ही लाजवाब। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये डोसा बने थे और इसके सब सॉसेस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। थोड़ी सी हम लोगों ने इसके साथ इमली की सॉस भी ली थी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।